चार प्रतिशोध डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रतिशोध एकांकी में चित्रित पिता पुत्र का संघर्ष हिंदी साहित्य में अपनी एकांकियों के लिए डॉ रामकुमार वर्मा सुपरिचित रहे हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक डेढ़ सौ एकांकी लिखे हैं प्रतिशोध उनकी बहुचर्चित एकांकी है जो संस्कृत कवि भारवी के जीवन पर आधारित है प्रतिशोध का अर्थ है बदला बदले की भावना संस्कृत कवि भारवी में अपनी विद्वत्ता को लेकर अहंकार पैदा हो जाता है अहंकार मनुष्य की प्रगति में बाधक होता है इसलिए जिसे अहंकार छू लेता है जो अहंकार से ग्रस्त हो जाता है उसका बौद्धिक भावनिक विकास रुक जाता है उसका व्यक्तित्व अधोगति की ओर बढ़ता है इस बात को महाकवु भारवी के पिता अच्छी तरह से जानते हैं वे स्वयं विद्वान हैं संस्कृत के महापंडित हैं उन्हें अपने विद्वान बेटे भारवी पर गर्व है भारवी केवल कवि ही नहीं है वह विद्वान भी है वेद उपनिषदों का उसने अध्ययन किया है उसकी विद्वत्ता की चर्चा सारे नगर में है राज्य में है शास्त्रार्थ में भारवी के सामने नगर का एक भी विद्वान टिक नहीं पाता शास्त्रार्थ में भारवी जीतता जा रहा है और धीरे धीरे जीत पर अपनी विद्वत्ता पर उसे अहंकार हो आया है उसके पिता पंडित श्रीधर जानते हैं कि यह अहंकार ऐसा ही रहा तो भारवी अपने को परिपूर्ण समझेगा उसका अध्ययन समाप्त हो जाएगा वह दूसरे विद्वानों का सम्मान नहीं करेगा उसमें कुछ नया जानने की इच्छा शेष नहीं रहेगी उसका बौद्धिक और भावनिक विकास रुक जाएगा एक पिता ऐसा कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे की प्रगति रुक जाए इसलिए श्रीधर अपने बेटे महाकवु भारवी को विवत सभा में ही अपमानित करते हैं शास्त्रार्थ में जीतने के बाद भी वे उसे मूर्ख कहते हैं श्रीधर की इस बात पर अन्य विद्वान भारवी का मजाक उड़ाते हैं वह अपमानित होता है उसे लगा कि पिताजी से उसकी विद्वत्ता देखी नहीं जाती अपमान की आग में जलते भारवी के मन में अपने ही पिता के प्रति क्रोध पैदा होता है वह पिता से प्रतिशोध लेना चाहता है।, पिता की हत्या करना चाहता है पिता की हत्या करने के लिए भारवी अपने मित्र से तलवार ले आता है शाम के वक्त चुपके से घर में घुस जाता है और माता पिता के सोने का इंतजार करता है जब पिता सो जाएंगे भारवी सोचता है कि तलवार से उनकी गर्दन काट देंगे जब वह घर में छुपा हुआ था तब वह अपने माता पिता का संवाद सुनता है माँ के आग्रह पर पिता भारवी को ढूंढने का वचन देते हैं इतना ही नहीं जब भारवी की माँ उनसे पूछती है कि अपना बेटा भारवी इतना विद्वान हो गया है पंडित हो गया है फिर भी आप उसका अपमान क्यों करते हैं क्या आप उससे ईर्ष्या करते हैं आप उसकी निंदा करना छोड़ दीजिए तब श्रीधर अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुशीला मैं आज तुम्हें बतलाऊं। भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवु है दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है मैं चाहता हूं कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवु बने पर अहंकार उन्नति में बाधक है दो मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूं। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ प्रशंसा तो सभी करते हैं किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए अर्थात पिता श्रीधर अपने बेटे भारवी पर जो क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है उस क्रोध में बेटे के प्रति मंगल कामना छिपी है माँ पिता का यह संवाद भारवी सुन रहा है अब उसे अपने पिता द्वारा अपमानित किए जाने का सच्चा कारण पता चला है पिता के प्रेम को समझता है अपनी गलती पर पश्चाताप व्यक्त करता है बाहर आकर वह पिता से क्षमा मांगता है पिता के हेतु को समझने में उससे गलती जो थी वह अपने आप को दोष देता है पिताजी उसे क्षमा भी कर देते हैं फिर भी भारवी अपने पिता से अपने लिए दन मांगता है उसके बहुत आग्रह करने पर पिता उसे छह माह तक ससुराल जाकर वहाँ सेवा करने और जूठे अन्न का सेवन करने का दंड सुनाते हैं भारवी इस दंड को स्वीकार कर तुरंत घर छोड़ता है इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में एक और पिता है और दूसरी ओर बेटा पिता पुत्र में हर युग में किसी न किसी कारण से संघर्ष उठ खड़ा होता है पिता के अनुशासन और प्रेम को समझ पाना बहुत कठिन होता है पिता अपने बेटे को अनुशासन में रखना चाहते हैं और बेटे को अनुशासन पाबंदी लगती है वह मुक्त रहना चाहता है परंतु उस उम्र में बेटा यह नहीं समझ पाता कि पिता के अनुशासन में वास्तव में उसकी भलाई है में पिता हमेशा अपने बेटे की उन्नति ही तो चाहते हैं परंतु पिता के दृष्टिकोण को न समझ पाने के कारण पिता पुत्र में संघर्ष निर्माण हो जाता है प्रतिशोध एकांकी में यही संघर्ष डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बड़ी सुंदरता के साथ उद्घाटित किया है संघर्ष का परिणाम भी सुखद है प्रश्न दो प्रतिशोध एकांकी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए प्रश्न तीन महाकवु भारवी अपने पिता से किस बात का प्रतिशोध लेना चाहता है कैसे प्रश्न चार महाकवु भारवी के पिताजी भारवी को क्यों अपमानित करते रहते हैं स्पष्ट कीजिए प्रश्न पाँच प्रतिशोध एकांकी में चित्रित माँ की ममता स्पष्ट कीजिए प्रश्न छ किस अपराध के लिए भारवी दन चाहता है उसे कौन सा दन मिलता है कुछ महत्वपूर्ण कथन एक सुशीला मोह में मत बहो अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है दो प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं तीन मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है चार पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है